नमस्कार एंड वेलकम वंस अगेन। पर इसके पहले हम बात को आगे बढ़ाएं, आप सब लोगों को इंडिपेंडेंस डे की शुभकामनाएं, शादी माने। आपको याद होगा कुछ एक हफ्ते पहले हमने एक छोटा सा एपिसोड किया था डूंगरी भील महाभारत के ऊपर, और उसको बीच में छोड़ दिया था ये बोल के कि इसका दूसरा या तीसरा एपिसोड आएगा। तो आइए दूसरा एपिसोड देखते हैं। पहला एपिसोड हमने वहाँ पे छोड़ा था जहाँ पे शांतनु का जन्म होता है पेड़ के तने से, और कहानी वहीं से हम आगे बढ़ाते हैं। तो जैसे ही शांतनु का जन्म होता है, शांतनु गुरुजी से, जो सरसांखर हैं, जो गुरु हैं गंगा के, उनसे कहते हैं कि आप मेरे को अपनी धुनी पे लेके चलें। अब वो धुनी पे चले जाते हैं। धुनी पे जाते हैं तो अपने लिए वो एक काफ़ी बड़ा एक धनुष बनाते हैं, और धनुष बना करके वो तीतर को बटेर को मार करके धुनी में डालने लगते हैं। अब धुनी अपवित्र हो जाती है। तो गुरु सरसांखर कहते हैं क्या कर रहे हैं आप। तो शांतनु कहता है कि मैं इसको रोक सकता हूँ लेकिन मेरी एक शर्त है। तो गुरु जी कहते हैं कि बताओ भैया शर्त बताओ। तो कहते हैं ना मैं ऐसे शर्त नहीं बताऊँगा, कल अगर आप फिर गए तो मेरी शर्त तो गई तेल लेने। तो उन्होंने कहा नहीं मैं नहीं फिरूंगा और मैं आपको वचन देता हूं। तो डूंगरी भाषा में उन्होंने कहा कि वाचा वाचा अमर वाचा ब्रह्म वाचा, वाचा चूकू तो खड़ा सूखू। वाचा वाचा अमर वाचा ब्रह्म वाचा, वाचा चूकू तो खड़ा सूखू। तो बोले मैं वचन से बंध गया हूं, अब आप बताइए। तो उसने कहा जो आपकी चेली है गंगा उससे मेरी शादी करा दो। अब गुरु जी बेचारे फंस गए। वो गए गंगा के घाट पर और वहां पर उन्होंने गंगा को आह्वान किया। गंगा तेरहवें पताल से ऊपर आई, गुरु की उन्होंने प्रतीक्षा ली। उन्होंने कहा गुरु जी आज्ञा। उसने कहा मैं आज्ञा आपको दूंगा लेकिन आप एक वचन दें। तो गंगा सोच में पड़ गई, लेकिन कहा गुरु हैं वचन मांग रहे हैं वचन दे दो। तो गंगा ने वही बोला जो गुरु जी ने शांतनु को बोला था कि वाचा वाचा अमर वाचा ब्रह्म वाचा, वाचा चूकूँ तो खड़ी सूखूँ। तो उसने कहा गंगा शांतनु से शादी कर लो, मैं वचन दे चुका हूँ। तो गंगा जी ने कहा यार अब मेरे बिहाफ में कैसे वचन दे सकते हैं, ठीक है आप गुरु हैं लेकिन आप वचन कैसे दे सकते हैं। लेकिन अगर आप वचन दे चुके हैं, मैं आपको वचन दे चुकी हूँ, तो हम दोनों एक दूसरे के वचन में बंधे हैं, तो मेरे को कोई दिक्कत नहीं है लेकिन एक शर्त है मेरी। शांतनु आते हैं कहते सारी शर्त मंजूर है, नो क्वेश्चंस नथिंग एवरीथिंग इज अग्रीड। तो कहती सुन लो शर्त ये है कि जितने भी मेरे बच्चे होंगे तो मैं उसको गंगा के घाट पर पछाड़ करके बहा के आना पड़ेगा। पछाड़ने का मतलब होता है आप इसे उठाइए और पटक दीजिए, और जब वो मर जाए तो गंगा में बहा दीजिए। शांतनु को भला अजीब सा लगता है लेकिन वो तब तक पागल हो चुके होते हैं गंगा के पीछे। कहते ठीक है चलो मंजूर है, शादी हो जाती है। तो बादल भवन भील महाभारत में बादल भवन इनके महल का नाम होता है। तो बादल भवन में ये दोनों जाके रहने लगते हैं। कालंदर में इनके तीन बच्चे होते हैं, एक का नाम है गांगेय, एक का विचित्रवीर और एक का चित्रवीर। तो यहाँ पे ये जो पुरानी महाभारत है वेदव्यास की उससे अलग है, क्योंकि जो चित्रवीर हैं और विचित्रवीर हैं, जो चित्रांगद और विचित्रवीर हैं महाभारत में, वो दोनों बच्चे जो हैं वो सत्यवती को होते हैं लेकिन यहाँ पे गंगा को होते हैं। और जो वहाँ पे भी भीष्म गंगा के पुत्र हैं, यहाँ पे भी भीष्म गंगा के पुत्र हैं लेकिन यहाँ पे इनको दो पुत्र और मिले हैं। अब होता ये है कि जैसे ही ये पुत्र होते हैं इनको, ये तुरंत राजा से कहती हैं कि जाओ और इनको पछाड़ो और बहा दो। तो राजा बेचारा जाता है, पछाड़ता है और बहा करके आ जाता है। अब बड़ा दुखी हो जाता है, कहता है यार ये क्या है, मतलब जब देखो तब यू नो कैसा जीवन है ये। अब जब चौथी बार गंगा को बच्चा होता है तो वो लड़की होती है, तो वो कहती है राजा से कि जाओ लेकर के जाओ पछाड़ो भाव। तो राजा जब निकलता है तो दो तीन उसको गांव वाले मिल जाते हैं, कहते हैं राजा जी एक बात बताइए ठाकुर साहब, कि आप इस तरीके से सारे बच्चों को बहा देंगे तो बुढ़ौती में कौन आपको देखेगा, अब तो आपकी वही उम्र हो रही है, कैसे काम होगा। तो राजा कहता है लेकिन मैं तो वचनबद्ध हूँ। तो उन लोग कहते हैं कि अगर कोई आपका हितमित्र हो उनको जाकर के आप ये जो लड़की आपकी वो दे आइए, वो पालेगा उसको, कैसे पता चलेगा गंगा को, वो तो अपने राजमहल में बैठी हैं बादल भवन में। राजा मान जाता है। राजा रास्ते में जाता है और उनके एक मित्र मिलते हैं, उनको बच्ची देकर के वापस लौट आता है। जब लौटता है तो गंगा जी पूछती हैं भाई, वो कहता हूँ भाई। तो कहती है राजा तुम तैयार हो नहाओ दो, मैं समुंदर के पास में से नहा करके आती हूँ। तो अपना एंटूराज लेकर के, अपने सारे सखियों को लेकर के जो गंगा जी हैं, वो एक बगल में एक बढ़िया समुंदर बह रहा है दरिया, वहाँ पे चली जाती है नहाने के लिए। और वहाँ पे वो जौ बार्ली, जौ को एक ऐसे दो तीन क्यारियाँ बना करके जौ उसमें बो देती है, और उसके बाद इंतज़ार करती हैं एक अंगूठे के ऊपर खड़े होकर के अपने पैरों के, और सूर्य की तरफ देख करके वो उनसे प्रार्थना करती हैं और कहती हैं प्रभु अगर कुछ गलत हो रहा है, कुछ झूठ हो रहा है, ऐसा जो असत्य है, ऐसा जो अप्रिय है,
ऐसा जो अघटनीय है अगर हो रहा है, घटित हो रहा है, तो आप मेरे को संकेत दें। तो कुछ जौ जो उन्होंने वहाँ पे बोई थी समुंदर के किनारे, वो पीली रहती है, मुरझा जाती है, तो उनको पता चल जाता है कि कुछ सही नहीं है। वो लौटती हैं तो शांतनु मिलते हैं, शांतनु से पूछती हैं कि भाई तुमने सारे बच्चों को तुमने बहा दिया था मेरे चारों के चारों? वो कहते हैं हाँ बहा दिया था हमने। कहती राजा झूठ मत बोलना। वो कहते हैं रानी मैं झूठ क्यों बोलूँगा? कहती राजा झूठ मत बोलना। उसने कहा नहीं रानी कोई सवाल ही नहीं है। अरे भाई तुम्हारे बारे बीच में पति पत्नी का झूठ है उसमें? हम कह चुके हैं कि हमने सबको बहा दिया। तो गंगा खड़ी होती है और तीन ताली बजाती हैं। अब तीन ताली में गांगेय, चित्रवीर और विचित्रवीर तीनों सामने प्रकट हो जाते हैं। लेकिन जब चौथी ताली बजती है तो लड़की नहीं आती, गंगा नाराज हो जाती है। वो कहती है आपने मेरे से झूठ बोला और हमारे आपके बीच में जो अब करार है वो समाप्त हो चुका है। नमस्कार, जयराम जी की, मैं अब चली। ये कह के वो निकलती हैं। ये घबरा जाते हैं, ये तुरंत हाथ पाँव जोड़ने लगते हैं, कहते हैं मेरे से गलती हो गई, मैं लोगों के बहकावे में आ गया, मैं तो बच्चे को बाहर नहीं जा रहा था। तुम मत जाओ, रुक जाओ, मैं तुम्हें बहुत प्यार करता हूँ। तो गंगा जी ने कहा ना ये तो करार है भाई, करार अब टूट गया, अब जिंदगी आगे निकल गई। तो वो कहते हैं हम तो मर जाएंगे, तुम गई अगर तो मैं तो गया। तो गंगा जी कहती है मुझे को पता है कि तुम मर जाओगे, तो तुम एक काम करो, तुम ये मेरा चूड़ा ले लो। वो हाथ से चूड़ा निकाल करके इनको दे देती और कहती हैं कि कुछ दिनों के बाद एक रंग राजा नाम के छोटे से राजा हैं, जमींदार हैं, उनके घर में पैदा होंगी, तुम्हें चूड़ा दिखा देना और मैं तुमसे शादी कर लूँगी। और ये कह के वो चली जाती। जाते 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 रंग राजा जो है, अरे ये शांतनु जो है, उनको रोकने की कोशिश करते और उनके हाथ में उनके पाँच सुनहरे बाल आ जाते। गंगा जी चली जाती। ये मारे गंगा के दुख में छटपटा के बुर्राए बुर्राए फिरते हैं, समय निकलता जाता है। अब गंगा जी जो हैं वो एक मछली का रूप लेकर के समुंदर में तैरने लगती है। समय गुजरता जाता है और मछली जो हैं वो इंद्र के द्वारा गर्भवती हो जाती है। एक दिन उस मछली को एक मछुआरा पकड़ लेता है। जब मछुआरा पकड़ लेता है तो मरने के पहले वो मछली कहती है कि देखो ऐसा है कि तुम जब भी इसको किसी को बेचना तो उसे कहना कि मछली अपनी कीमत खुद बताएगी। मछुआरा धन बोलने वाली मछली बताइए, कभी देखी है आपने? उसने भी नहीं देखी थी। कहता ठीक है जैसा आप चाहें। उसको पता चल गया कोई दैवीय चीज़ है, मतलब ऊपर की आसमानों की, ज़मीन की नहीं। अब वो अब बड़ी मछली, शानदार मछली, अब जहाँ भी मछली को लेकर के जाता है वो लोग कहते हैं कि मछली बताओ कितने में बेचोगे, तो कहता मछली बताएगी। लोग हंसते हैं, कहते बाबला है तो पगला है, मछली मरी मछलियाँ कहीं बात करती हैं? वो भी मछली पहली बात बात नहीं करती, ऊपर से मरी। तो वो घूमते घूमते रंग राजा के दरवाजे पर आता है। रंग राजा कहता है यार ये तो बड़ी ज़बरदस्त मछली तुम कहाँ से पकड़ के ले आए, बेचोगे? कहें साहब इसको हम बेचने के लिए लाए हैं, लेकिन जो मछली है वो खुद ही कीमत बताएगी। रंग राजा दंग रह गया। उसने कहा बताओ कैसी मछली होगी यार, मरी मछली कीमत? अब उन्होंने पूछा और मछली ने बताई और मछली को रख लिया उन्होंने। अब मछली कहती है कुछ देर के बाद, कहती है राजा मेरे को काटना मत, मेरे को पकाना मत, मेरे को खाना मत, मेरे को हजम मत करना। तो राजा कहता है कि क्यों? वो कहती है रखे रहो तुम मेरे को 9 महीने 9 दिन, 9 महीने 9 दिन के बाद तुम मुझे काटना। राजा कहता है यार इतनी चमत्कारिक मछली है ये, कौन सा मर जाएंगे खाएंगे नहीं, तो रख लेते हैं 9 महीना 9 दिन। राजा 9 महीना 9 दिन तक मछली को रखे रहता है। 9 महीने के 9 दिन के बाद वो चाकू लेता है, वो चीरता है मछली का पेट, और जब मछली का पेट चीरता है तो उसमें से एक बच्ची निकलती है, लड़की निकलती है। यही लड़की जो है वो गंगा का रूप है, जिसको गंगा ने शांतनु से बिछड़ने के पहले वादा किया था। अब इधर शांतनु काफ़ी वृद्ध हो गए हैं, अब गए कि तब गए, गंगा की याद में बेचारे परेशान रहते हैं, रोते रहते हैं। तो एक दिन वो कहते हैं अपने लड़के से कि देखो ऐसा है कि तुम मेरी शादी कराओ, तो मेरी शादी कराओगे तो मैं प्राण छोड़ दूंगा। अब गांगे चित्रवीर विचित्रवीर कहते हैं कि बट मतलब सबको पता है क्या मरने जा रहे हैं, कौन लड़की देगा आपने? कहते हैं देगा, ये लो तुम चूड़ा लो सोने का और तुम जाओ रंग राजा के घर, वहाँ पे उनकी लड़की होगी, उसको चूड़ा दे देना, वो शादी के लिए तैयार हो जाएगी। अभी तीनों लोग घूमते घामते रंग राजा के घर पहुँचते हैं, उनसे कहते हैं कि देखिए जो हमारे पिताजी हैं वो शांतनु है, राजा लोग रहते हैं, सबके बारे सबको उनके बारे में पता रहता है, और वो आपकी लड़की से शादी करना चाहते हैं। तो रंग राजा कहता है कि देखो भैया हमारी लड़की है नहीं, हमने तो मछली का पेट चीरा था उसमें से निकल आई, लड़की को हम बुलाए देते हैं, लड़की अगर तैयार है तो ले जाओ उसको शादी कर ले। लड़की को बुलाते हैं, लड़की वो
जैसी चूड़ा देखती है सोने का पहचान जाती है कि भाई ये तो हमारा चूड़ा है पिछले जन्म का। वो कहती है हम तैयार। पालकी में राजा शांतनु को बैठाया जाता है और गंगा के पास लाया जाता है। गंगा उनसे शादी करती है और शांतनु की मृत्यु हो जाती है। और गंगा को लेकर के तीनों भाई, क्योंकि अब उनकी माँ बन गई है, ब्याहता थी उनके पिताजी की, विचित्रवीर, गांगेय और चित्रवीर, अपने घर वापस आ जाते हैं। और इस प्रकार शांतनु और गंगा का प्रकरण समाप्त होता है। सो धन्यवाद आपने इतनी देर तक मेरे को सुना। अगली बार कुछ नई कहानी लेकर के आपके सामने उपस्थित होंगे। थैंक यू, नमस्कार। Mm-hmm.